फ्रेंड्स, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो लू लगने का चांस होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गर्मी और लू से बचने के कुछ तरीके। पहला तरीका है फ्रेंड्स, पके बेल का जूस। पके बेल का शरबत गर्मियों में पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है, यह हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, यह एंटीवायरल एंटी फंगल होता है, यह डायरिया एनीमिया स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है को भी ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका जूस आप घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट से किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। दूसरा, हरी मिर्च का इस्तेमाल। यह बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह हमें लू लगने से बचाता है। भले ही बहुत कम मात्रा में लें लेकिन प्रत्येक दिन हमें हरी मिर्च अपने भोजन के साथ लेना ही चाहिए। जिनको तीखा खाना पसंद नहीं है वो कम तीखी वाली मिर्च का सेवन करें। दोस्तों ध्यान दें, गर्मियों में लाल मिर्च, ज़्यादा मसाले वाले भोजन, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल। कोकोनट में भी प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें 94% वाटर होता है और बहुत कम फैट होता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बीपी एंड डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। चौथा, प्याज का इस्तेमाल। प्याज तो गर्मियों से बचने के लिए एक वरदान ही है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसको हम सलाद के रूप में, दाल सब्जी में डाल करके यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग प्याज को इसलिए अवॉइड करते हैं कि इसको खाने के बाद मुंह से बैड स्मेल आता है। तो उसके लिए दोस्तों, आप प्याज को सलाद के रूप में यूज करने से पहले प्याज को 2-3 टुकड़ों में काट कर पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर उसके बाद यूज करिए तो प्याज का बैड स्मेल कम हो जाता है। या हर बार प्याज खाने के बाद थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर, सौंफ या इलायची खा सकते हैं। पाँचवा, लेवन। लेवन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यह हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एक ग्लास पानी में नींबू का जूस और हनी मिलाकर पीजिए। यह एनर्जी ड्रिंक का काम करता है तथा यह मोटापा भी कंट्रोल करता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। छठा है वाटरमेलन। वाटरमेलन विटामिन एंड मिनरल से भरपूर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें लगभग 92% वाटर होता है जो हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसमें बहुत कम कैलोरी एंड फैट होता है जिससे हमें मोटे होने का डर भी नहीं रहता। सातवां है मैंगो पना। मैंगो पना गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए, यह हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है। फ्रेंड्स, मैंगो पना और वाटरमेलन का जूस बनाने की रेसिपी मैंने शेयर की है, आप उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, गर्मियों में बटर मिल्क, पुदीने का पानी, पुदीने की चटनी, नींबू पानी, खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। फ्रेंड्स, गर्मियों में कुछ लोगों के पैरों के तले में बहुत जलन होने लगता है। उस जलन को कम करने के लिए आप मेहंदी का लेप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों में विटामिन ए एंड सी से युक्त चीज़ें खाएं। विटामिन ए में जैसे काले अंगूर, हरे पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी में ऑरेंज, नींबू, मौसम्मी, ये सब चीज़ें खाएं। सुबह सुबह हरे घास पे वॉक करिए जिससे पैरों का जलन कम होता है और फ्रेशनेस महसूस होता है। गर्मियों में हमें अपने पहनावे पर भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में डार्क कलर, ब्लैक कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए, बल्कि लाइट कलर या वाइट कलर के कपड़ा पहनने। गर्मियों में चुस्त कपड़ा जैसे जींस वगैरह पहनना अवॉइड करें, ढीला ढाला सूती कपड़ा पहने। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब आप बाहर निकले तो सनग्लास का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी आंखों की रक्षा होगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके की यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।